Hey, what's up everybody guys, my name is Karan और एक और वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आया हूँ रिगार्डिंग VIT। तो VIT के रिगार्डिंग ऑलरेडी हम लोग दो वीडियोस बना चुके हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दिया है और सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दैट। और यूँ ही सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं मैं दे पाऊँ, जो भी क्वेश्चन है, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आपका, तो कोशिश मैं वही करता हूँ कि आपके क्वेश्चन के लगभग ठीक ठीक जवाब मैं आपको दे पाऊँ। जो हालांकि जो ऑलरेडी चीज़ें हैं अवेलेबल उनका तो पूरा एकदम कट टू कट क्वेश्चन के आंसर मैं दे देता हूँ, लेकिन जो थोड़े से कुछ और आपके क्वेश्चन होते हैं उनकी जवाब मैं देने की कोशिश भी वहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे भी करता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर द सपोर्ट एंड लव। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वाला जो वीडियो होने वाला है, ये वाला जो वीडियो है कि VIT का फॉर्म किस तरीके से फिल करें और थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है। आज सुबह मैंने लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था VIT की वेबसाइट पे, तो जैसे ही मैंने लॉगिन करने की कोशिश की तो वहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही, प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे कैप्चा जो है वो अपडेट ही नहीं हो रहा है और जो वेरिफिकेशन कोड है वो आ ही नहीं रहा है। मतलब वो जो रिफ्रेश वाला जो बटन है ना वेरिफिकेशन वाला वो चल नहीं रहा है। तो अभी फिलहाल वो चल नहीं रहा, तो आप लोगों को परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या होगा भैया क्यों नहीं चल रहा, उसके लिए आप परेशान मत होइए, वो चल जाएगा कुछ देर में। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, तो सबसे पहले आपको न्यू यूज़र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें कैंडिडेट नेम, रेजिडेंस, उसमें डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल और वेरिफिकेशन कोड और IM अथॉरिटी वाले पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद क्या होगा, टिक करने के बाद आपके मोबाइल, आपके जो ईमेल है उस पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगी। लॉगिन आईडी जनरली आपका जो जीमेल है वही होगा और आपको फिर एंटर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आपको वहाँ पे मिला हुआ है वो आपको डालना है और एंटर वेरिफिकेशन कोड आपका जो कैप्चा है वो आपका वेरिफिकेशन कोड हो जाएगा। अभी वो लॉगिन आ नहीं रहा है तो, लेकिन आ जाएगा वो शाम तक, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। वो वेबसाइट पे शो हो सकता है थोड़ा मेंटेनेंस चल रहा हो इस कारण से अभी वो शो नहीं कर रहा है, तो या फिर बहुत सारे बच्चों का एक साथ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया तो इसलिए अभी वो लोड नहीं हो पा रही ढंग से। तो अब देखिए सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको लेफ्ट में ये चीज़ दिख रही होगी कि क्या आपको दिखेगा, BTEC एडमिशन फॉर 2021-2022, एप्लीकेशन डिटेल, जनरल डिटेल, पेमेंट, अपलोड एंड फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डाउनलोड एंड एप्लीकेशन। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस विल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। भैया देखो सिंपल सी बात समझ लो गाइस यार, वो अपना मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो भी एड्रेस है इसको एकदम सही रखना, इसमें बार बार चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन के समय आपको पेमेंट, आपको क्या लिखा, काइंडली वेट फॉर एन आवर कन्फर्मेशन योर पेमेंट का, एक घंटे में कन्फर्मेशन आपको आ जाएगा। जनरली वैसे इंस्टेंटली आ जाता है लेकिन लोग फिर भी उस तरीके से रखते हैं कि चलो एक घंटे तक तो चीज़ें, और किसी कारण से अटक जाए पेमेंट तो आ जाता है ना। इफ़ अमाउंट इज डेबिटेड मोर देन वंस टाइम, अगर एक से ज़्यादा बार अमाउंट डिडक्ट हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 7 दिन के अंदर अमाउंट वापस आ जाएगा। इफ़ अमाउंट इज नॉट डेबिटेड यू कैन पेमेंट अगेन, ठीक है। लेफ्ट में आप लोगों को दिखेगा होम स्टेप और टू फॉलोड, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को लेफ्ट में दिखेंगी। अब देखिए इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू बी फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो गाइडेंस उन्होंने दिए हुए हैं, रीड द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वेरी केयरफुली, प्लीज ऑल रिलेवेंट डिटेल्स करेक्टली बिफोर सबमिशन, एंड एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड आफ्टर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन। वो भी एक क्या होगा, अभी जो आपको जो नंबर आया है ना वो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है, जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे ना वैसे वैसे आपको एक वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा दूसरा परमानेंट, है ना। अवेलेबल ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन ऑफ नेट बैंकिंग, पेटीएम से भी आप कर सकते हो, फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करने हैं आफ्टर द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, इफ द अमाउंट इज डेबिटेड वो आपका वापस मिल जाएगा। ₹1150 की जनरल कैंडिडेट्स की फीस है, एप्लीकेशन टेस्ट सेंटर एलोकेशन फॉरेन कंट्रीज का $50 है, उसका एप्लीकेशन कॉस्ट इज नॉट रिफंडेड इन एनी केस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर आप चले जाओगे तो उस पर टिक करोगे तो उसको नीचे ही नीचे थोड़ा सा नीचे आप करोगे ना तो नीचे करने का आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि टिक वाला ऑप्शन दिख जाएगा उस पर, येस आई हैव रेड ऑल द डिटेल्स वेरी केयरफुली, उस वाले पे आप चले जाओगे और उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे। अब देखिए इसमें एक और है कि जब तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला पोर्टल तभी ओपन होगा जब आप पेमेंट कर दिया होगा, आपने पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला गेटवे जो है वो ओपन होगा और उसके बाद ही मेरे ख्याल से आपके जो स्लॉट्स की बुकिंग है उसके बाद ही होगी। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन दिखेगा नहीं, है ना। इसमें टोल फ्री नंबर भी इन्होंने दिए हुए हैं, ये भी आप चाहें तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स वाला मैंने आपको बता दिया, पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट डिटेल्स भी वहाँ पे दिखने लग जाएंगी। अब लॉन्च ऑफ वेब एप्लीकेशन, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, लॉन्च ऑफ वेब एप्लीकेशन 30 नवंबर को और लास्ट डेट टू अप्लाई 20 मई को, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 28-29-30 को, VIT विल कंडक्ट एज ऑनलाइन रिमोट एग्जामिनेशन सॉरी है ना, और काउंसलिंग डेट जो अनाउंस होंगी
वो भी इसमें अभी डेट्स नहीं है, और क्लास कमेंसमेंट की डेट्स भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो देखिए क्लासेस आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी, ये तो कोई पता ही है ना। तो ये सारी डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आप देखिए इसमें आपको अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि स्लॉट बुकिंग का क्या रहेगा। देखो स्लॉट बुकिंग का जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, डिटेल्स अपलोड नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे, तब तक आपका पेमेंट वाला पोर्टल अभी तक तो नहीं खुला है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बता दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल आपकी स्क्रीन पे ये दिखा रहा होगा, वेरिफिकेशन कोड दिखाई नहीं रहा होगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। कुछ और आपके क्वेश्चन है यू कैन लेट मी नो ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, और यू कैन पिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, और कुछ सजेशन है यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बॉक्स, तो अपन वो भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, माय नेम इज करण, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय गाइस।